आज हम देखेंगे दोस्तों कि विंडोज़ 7 और 8 के बाद हम अपग्रेड करते हैं विंडोज 10 पर, तो हम जो भी विंडोज़ 7 या 8 में फाइल्स या फोल्डर्स सेव करा रहता है हमने डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट पिक्चर्स में, तो दोस्तों विंडोज 10 में हमें शो नहीं करता है, तो हमें ढूंढना कैसे है दोस्तों ना पुराना फोल्डर और फाइल्स जो हमने डेस्कटॉप पे सब सेव किया था या डाउनलोड डॉक्यूमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जाएंगे फाइल्स में दोस्तों, ये देखिए मेरा नया वाला है न्यू वॉल्यूम सी, जिसमें विंडो 10 इंस्टॉल किए मैंने। विंडो 7 वाला दोस्तों ये लोकल डिस्क जी है मेरा पहले वाला। तो दोस्तों दोस्तों ये वाला है मेरा, चार पार्टीशन है दोस्तों, देख सकते हो सी डी एफ और जी। लेना है कौन कौन से फोल्डर्स में प्रोग्राम फाइल्स यूज़र इंटेल ये सब होगा, तो उसमें चेक कर लेना है। तो दोस्तों जो पुराना वाला होगा उसमें यूज़र में जाना है, तो यूज़र वाला फोल्डर चेक कर लेना है। होम पे जाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे, थोड़ा लोड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डाउनलोड, तो दोस्तों मेरा डाउनलोड वाला देख सकते हो, पुराना वाला दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों और मैंने किसी चीज़ में सेव नहीं कर रखा है, तो उसमें नहीं है कुछ भी, डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट में है दोस्तों। तो डाउनलोड में मैंने डिस्काउंट वाला वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखा था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विंडो 10 में कुछ नहीं शो कर रहा है, वो अंदर वहाँ पर सेव कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों वीडियो प्ले हो गए। तो दोस्तों अब देखेंगे हम और भी फोल्डर्स हमारे कहाँ हैं। तो दोस्तों देख सकते हो डॉक्यूमेंट में मेरा जो भी रिकॉर्डिंग कर रखा है मैंने। तो दोस्तों ये विंडो 7 के फाइल है जो कि विंडो 10 में शो नहीं करने वाला है जब तक हम अंदर न जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं फाइल्स को अपने। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।